रामानुजाचार्य प्राचीन काल में हुए एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उनका जन्म मद्रास नगर के समीप मेरुबुदुर गांव में हुआ था। बाल्यकाल में इन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। रामानुज के गुरु ने बहुत मनोयोग से शिक्षा दी। शिक्षा समाप्त होने पर वे बोले, पुत्र मैं तुम्हें एक मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ। इस मंत्र को सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। रामानुज ने श्रद्धा भाव से मंत्र की दीक्षा ली। आश्रम छोड़ने से पहले गुरु ने एक बार फिर चेतावनी दी, रामानुज ध्यान रहे, ये मंत्र किसी अयोग्य व्यक्ति के कानों में ना पड़े। रामानुज ने मन ही मन सोचा, इस मंत्र की शक्ति कितनी अपार है, यदि इसे केवल सुनने भर से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है तो क्यों ना मैं सभी को ये मंत्र सिखा लूं। रामानुज के हृदय में मनुष्य मात्र के लिए कल्याण की भावना छिपी थी, जिसके लिए उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को भंग कर दिया। उन्होंने संपूर्ण प्रदेश में उक्त मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। सभी व्यक्ति वे मंत्र जपने लगे। गुरुजी को पता लगा, उन्हें बहुत क्रोध आया। रामानुज ने उन्हें शांत करते हुए उत्तर दिया, गुरुजी इस मंत्र के जाप से सभी स्वर्ग को चले जाएंगे, केवल मैं ही नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैंने आपके आज्ञा का पालन नहीं किया। सिर्फ मैं ही नर्क में जाऊंगा। यदि मेरे नर्क जाने से सभी को स्वर्ग मिलता है तो इसमें नुकसान ही क्या है। गुरु ने शिष्य के उत्तर को सुनकर उसे गले लगा लिया और बोले, बस तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, तुम नर्क कैसे जा सकते हो। सभी का भला सोचने वाला सदा ही सुख पाता है। तुम सच्चे अर्थों में आचार्य हो। रामानुजाचार्य अपने गुरु के चरणों में झुक गए। लोगों को भी उनकी भांति सच्चे और सही मायने में इंसान बनाना चाहिए। सच्चा इंसान वे नहीं होता जो केवल अपने बारे में ही सोचता है, इंसान तो वो है जो दूसरों का भला करता है। तो ऐसे ही वीडियोज लेके मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।